सर अगले साल यशराज की दो बड़ी फिल्में आ रही हैं, पठान और टाइगर 3, कौन सी फिल्म पहले देखेंगे? जी हाँ, देखिए दोनों फिल्मों की अगर हम बात करें तो अगर हम जानते हैं कि पहले तो 25 जनवरी को पठान आ रही है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि कोविड की वजह से काफ़ी ऐसा सुनने को मिल रहा है कि पठान पोस्टपोन हो सकती है काफ़ी ज़्यादा। और देखिए अगर कोविड आ गया, बढ़ गया, तो ये तो 110% है कि पठान को पोस्टपोन किया जाएगा। इस सिचुएशन में पठान नहीं लगेगी, 50% ऑक्यूपेंसी फलानों पर कोई सेंस नहीं बनता। मेकर्स भी मुझे नहीं लगता रिलीज़ करेंगे, फिर उससे बेहतर यही डिसीजन सच में ये सही होगा मेकर्स के लिए भी डिसीजन, और काफ़ी बढ़िया डिसीजन रहेगा कि पोस्टपोन करके बाद में 100% ऑक्यूपेंसी के साथ रिलीज किया जाए। लेकिन वहीं अब डिपेंड करता, अगर फिल्म पोस्टपोन हो जाती तो फिर वही बात हो जाएगी जो अभी जी स्टार्टिंग में कुछ महीने पहले, एक दो महीने पहले थी, जो थी वही वाली सिचुएशन हो जाएगी कि पठान 25 को आ रही थी और तीन महीने के बाद हम अप्रैल में टाइगर 3 देख रहे, तो वही सिचुएशन साल के अंत में हो जाएगी 2023 में अगर पोस्टपोन कोविड की वजह से हो जाती है फिल्म। तो ऐसे में ये होगा कि टाइगर 3 होगी पास में और फिर वो पठान आसपास होगी, तो हो सकता है आगे पीछे फिर रिलीज डेट हो जाए, कुछ भी हो सकता है, या फिर बहुत फासला काफ़ी कम हो जाए। एग्जैक्ट साथ में तो रिलीज करने का कोई सेंस नहीं है, यशराज की फिल्म है दोनों, तो थोड़ा सा गैप हो सकता है, ऐसी चीज़ें हो सकती है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा ना हो, कोविड केसेस कंट्रोल में रहे, पठान लग जाएगी जल्दी से समय पर अपने, और फिर टाइगर आएगी, तो फिर टाइगर तो अलग ही बवाल धमाल मचाने वाली, हम सभी जानते हैं टाइगर 3 का भी लेवल अलग ही टाइगर का लेवल है। अगर आप देखें तो अभी हालिया 5 साल पूरे हुए हैं बीच में, अभी कुछ ही दिन पहले, एक दो दिन पहले की बात है कि टाइगर जिंदा है को 5 साल कंप्लीट हुए थे। तो देखिए सोशल मीडिया पर भी कितना सुनने को मिल रहा था टाइगर के, वो टाइगर जिंदा है का गाने स्वैग से स्वागत और वो सब कुछ सुनने को मिल रहा था, दिल दिया गल्ला वगैरह। खैर मेरा फेवरेट गाना तो वो दिल दिया गल्ला है, स्वैग से स्वागत से ज़्यादा ही अच्छा मुझे लगता है वो। खैर उस बारे में बात करें तो मज़ा आया, बढ़िया होगा। टाइगर जिंदा है ने बहुत ज़्यादा गजब का रिस्पांस दर्शकों की तरफ से मिला है, टीवी पर भी वो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती फिल्म है, तो टाइगर 3 भी जो आएगी तो काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है उस फिल्म से भी गजब की होगी। और हम सभी जानते हैं पहले से ये बात तो कि टाइगर के जो अंदर है हमको पठान वाला कैमियो देखने को मिलेगा शाहरुख खान का, और वो कैमियो होता है एक्सटेंडेड कैमियो होता है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन पठान के अंदर भी हमको सलमान खान का भी टाइगर 3 देखने को मिलेगा, तो सलमान खान को भी देखना है, शाहरुख को भी देखना है, दोनों को एक फ्रेम में देखना है, तो इंतजार दर्शकों से वैसे ही नहीं हो रहा है। तो 25 जनवरी का इंतजार है, फिल्म अपने तय समय पर रिलीज हो तो मजा आ जाएगा पठान में और फिर साल के अंत में टाइगर 3 में।